नमस्कार, मैं श्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। और आज के मेन्यू में है गट्टे की सब्जी, पापड़ चूरमा, दाल चावल विद रोटी। पर हम आज फोकस करेंगे गट्टे की सब्जी एंड पापड़ चूरमा पे। गट्टे बनाने के लिए सुर ने एक बोल में लिया एक कप बेसन और उसमें डाला नमक, हल्दी, हींग एंड दही और पानी। एक्चुअली पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी पर उसने डाला, जो कि एक गलती थी। आखिर सुर गलती करे और आप उससे सीखो, यही तो शो का एसेंस है ना। एनी हो, सुर ने और बेसन डाल के बेसन का एक सॉलिड आटा बनाया एंड साइड में रखा और ग्रेवी की तैयारी की। कैसे यू आस्क? वेल, बाय चॉपिंग 2 मीडियम साइज्ड प्याज। चॉप करो नॉट वेरी फाइन, नॉट टू बिग, चॉप करो मीडियमिश ताकि अच्छे से कुक हो जाए। फिर 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया। धनिया को चॉप करने के बाद 2 से 3 मिर्ची या तो ज़्यादा, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। गट्टे की सब्जी राजस्थानी क्यूजीन का क्राउन ज्वेल है और सुड हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट द डिश व्हाइल डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन। एनीवेज, हाथ में लगाया तेल, बड़े से बेसन के लंप को रोल किया 0.75 इंच सिलेंड्रिकल शेप में एंड सो कॉल्ड गट्टे के शेप में लाया। राजस्थानी क्विजीन मुझे और सुड को बहुत ही पसंद है और इसका टेस्ट एनहांस हुआ जब हम ट्रैवल करना शुरू किया इन 2019। हमने अच्छा खासा टाइम बिताया अलवर और जयपुर में, जहां पे हमने खाया लाल मांस और उसकी रेसिपी लिंक राइट साइड टॉप कॉर्नर में है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एक गर्मा गर्म पैन में डाला थोड़ा सा ऑयल। तेल ऐसा यूज़ करें जो ज़्यादा फ्लेवरफुल ना हो, ट्राई यूजिंग घी, वो ज़्यादा बेटर है। वेल, सुर ने तेल में डाला अनियंस, उसको सॉटे फॉर 2 मिनट्स, फिर डाला 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर से 2 मिनट्स तक सॉटे और थोड़ा सा नमक, फिर से सॉटे और डाला टमाटर, टमाटर के साथ थोड़ी सी शक्कर और फिर आई मसालों की बारी। मसालों में सुर ने डाला धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, फिर मिर्ची पाउडर। सुर यूज्ड बेड की मिर्च पाउडर जो एक अद्भुत सुंदर कलर देता है, थोड़ा सा पानी ताकि मसाले ना जले, फिर कटी हुई मिर्चियाँ एंड सुर का फेवरेट घी 2 से 3 चम्मच, फिर उसमें डाला 2 कप्स वर्थ दही एंड किया मिक्स। इस टाइम पे दही स्प्लिट हो जाएगा बट फिकर नॉट, इसमें अगर आप 2 टेबलस्पून काजू पेस्ट डालोगे तो सब एक साथ आ जाएगा। फिर उसमें डाला गट्टों को एंड ढक के सिमर होने देंगे थोड़ी देर कुक होने के लिए, बट नॉट बिफोर वी पुट सम चॉप्ड धनिया एंड घी। मीनवाइल हम लगाएंगे बॉइल्ड तूर दाल को तड़का। ये बहुत सिंपल है, एक कढ़ाई में घी, उसमें जीरा, 2 से 3 स्लिट हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग, फिर डाला बॉइल्ड दाल, उसी कुकर में पानी डाल के सब कढ़ाई में डाल ले ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, मेरा मतलब है दाल जो साइड्स में लगी रहती है। फिर डाला धनिया, लाल मिर्च और टेस्ट करने के बाद नमक एडजस्ट करें। अब पापड़ चूरमे के लिए 6 से 7 पापड़ फ्राई किया, फिर एक बड़ा प्याज स्लाइस करके प्याज फ्राई किया जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए एंड टेक इट आउट ऑन अ पेपर टॉवल ताकि एक्सेस ऑयल सोक हो जाए और प्याज क्रिस्पी हो जाता है इस तरह। ओके, सो अब पापड़ चूरमे का मसाला डालेंगे। इस मसाले में है रोस्टेड क्यूमिन, नमक, चाट मसाला और अमचूर पाउडर। सारे पापड़ को क्रश करके उसमें डाला फ्राइड प्याज
हमारा चूरमा मसाला, कटी हुई हरी मिर्च एंड मिक्स एंड सर्व करने से जस्ट पहले डाले थोड़ा सा प्याज, टमाटर और धनिया लीव्स। पहले डालोगे तो ये सॉगी हो जाएगा। और अब सर्व एंड ईट एंड हमारी तारीफ बाय क्लिकिंग द लाइक बटन। अगर आप नए हो या फिर आप भूल गए हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, प्लीज उसे दबा दो और कमेंट करना ना भूलो और अपने सारे दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करो। ओके, बाय बाय।